और नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर के बाद एक बार फिर अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टैंकर माफिया से मुतालिक है। कराची के अवाम टैंकर माफिया के हाथों मजबूर हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पानी की कमी है और अब न्यू कराची के मकीन पानी की किल्लत के बायस महंगे टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाके में पानी की बंदिश और वाटर बोर्ड की जानिब से इकदाम के हवाले से हमारी नुमाइंदा अरूज रिजवी ने कराची के मकीनों से बात की है, उनसे भी आपको तफसीलात बताएंगे। अरूज, बताइएगा कराची के मकीनों का क्या कहना है। जी सर, हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 11 जे में, जहाँ पे पानी 10 साल के ज़ायद अरसा हो चुका है या पानी की फरामी मौतल की गई है। यहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं और कितना परेशान है? तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हम यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। हमने यहाँ पे आगे वाटर बोर्ड वालों को भी हमने जो है ना काफ़ी जो है ना कंप्लेंटें करी है कि हमारों को यहाँ पर पानी फराम की जाए। बड़ा मेहरबानी, वो आए यहाँ पर चेकअप करके चले गए, मगर 10 से 15 साल हो गए हम पानी के लिए तरसते रहे। हमें कोई पानी वानी यहाँ पे नहीं बोला, पूरा इलेवन जो दादा नगरी स्टैम जो ना पानी से महरूम है। हाइड्रेंट्स वालों को तो कोटा बढ़ा दिया, फिर अवाम का पानी का है? भाई उनका तो कोटा बढ़ा दिया गया, लेकिन अवाम का क्या होगा? अवाम के लिए तो कोई सहूलियत नहीं है। अवाम तो वैसे ही पानी के लिए तरस रही है। 10-12 साल हो गए कोई पानी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, और बस टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन पानी को नहीं आने को दे रहे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि पानी के जो टैंकर्स आते हैं उनकी क्या रेट है? उनकी रेट क्या मनमाना रेट लेते हैं या अपनी उनका कोई रेट फिक्स है? नहीं नहीं, मनमाना रेट लेते हैं अपने, ये खुद लेते हैं कि कोई 2300 का देता है, कोई 2400 का देता है, कोई 2200 का देता है, कोई 3000 का, ऐसे अपने इनके फिक्स रेट नहीं है। जब भी इनको दिल चाहे वो रेट हमारे को देते हैं ये। आप लोगों ने यूसी में या कहीं इसी अदारे में दरखास्त दी, सब जगह कोई सुनता ही नहीं, गरीब की क्या मुतालबा करे? कोई सुनेगा तो मुतालबा करेंगे ना, कोई सुनता थे नहीं गरीबों की। जी, इस इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि हमने हर अदारे में दरख्वास्तें दी लेकिन यहाँ कोई भी नजरसानी नहीं की गई। उनका यही मुतालबा है कि इस एरिए में पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उरूज रिजवी ने तमाम तर लोगों के तहफ़ुज़ात, तमाम तर लोगों के मुतालबे जो हमारे सामने रखे हैं, क्योंकि पानी का मसला एक बड़ा संगीन मसला है और ये आज का मसला नहीं, बहुत पुराना मसला होता जा रहा है और लोग अब टैंकर माफिया के रहमो करम पर आ गए। टैंकर माफिया हर जगह पर इस वक्त गर्दिश कर रही है क्योंकि वहाँ पर अब फ़र्क ये पता चलता है कि पानी तो आ नहीं रहा लेकिन भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं और पानी के बिल्स भी लोग पे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि टैक्सेस भी हम पे करें लेकिन उसके बावजूद हमें पानी फराहम नहीं किया जाता। मजे की बात कुरत इसमें ये है कि पानी लोगों को सप्लाई करने के लिए नहीं है लेकिन टैंकर माफिया को देने के लिए पानी मौजूद है। अगर मैं ये बात करूं कि नलका जब खोला जाता है तो पानी नहीं आता है लेकिन जैसे ही हम सड़क पर आते हैं तो जो हाइड्रेंट्स होते हैं वो दनदनाते नजर आते हैं। पानी वो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है उसका। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जो हाइड्रेंट माफिया वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। अभी एमडी सलाउद्दीन जो कि इनके वाटर सर्विस कॉरपोरेशन के, उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की जा रही है, इनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है जो हाइड्रेंट्स इलीगल चला रहे हैं। अच्छा, शहर में तकरीबन जो है वो 170 से ज़ायद इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, 6 लीगल हाइड्रेंट्स हैं, ये बात नोट करने की है। लेकिन जो 6 लीगल हाइड्रेंट्स हैं उन पे तो पानी आ रहा है, जो 170 हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? 170 से ज़्यादा हाइड्रेंट्स हैं जो जिनके खिलाफ फिर ऑपरेशन किया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत जो जानना बहुत लाजमी है कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पर, कि हाइड्रेंट्स जो हैं बाकायदा तौर पे इलीगल चलाए जाते हैं, एक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं जो कि रेड करते हैं और हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बट अब ज़राए के मुताबिक यानी कि वाटर बोर्ड के अमला ही मुलव्वस है, वाटर बोर्ड के अफसरान मुलव्वस हैं, वो मुलव्वस हैं और वो बाकायदा तौर पर इनको सपोर्ट करते बताया जाता है कि जो हाइड्रेंट्स है। अच्छा, इसमें एक टैंकी माफिया और एक हाइड्रेंट माफिया है। टैंकी माफिया वो है जो आपकी गलियों में आरओ प्लांट लगाकर भी काम कर रहे हैं, वो भी उनके पास भी यूजुअली लाइसेंस नहीं होते, उनको भी लाइसेंस की जरूरत होती है, उनके पास लाइसेंस नहीं होते और उनसे बाकायदा तौर पर हाफिज साहब आपको जान के खुशी होगी हर हफ्ते 10,000 रुपए ले और ऐसा ही और जो हाइड्रेंट्स के ऊपर टैंकर माफिया है जो बड़े हाइड्रेंट्स हैं उन पे पर जो वीकली है वो तकरीबन 6 लाख रुपए। यहाँ तक कि हाइड्रेंट के जो चार्जेस हैं वो भी कोई फिक्स नहीं है, उनके हिसाब से इलाके के जो कोटा बढ़ाया गया है, आप चेक करें जिस गली में हाइड्रेंट लगा हुआ है, जहाँ पे हाइड्रेंट मौजूद है वहां पर पानी आ रहा है, उसकी पिछली गली में पानी नहीं आ रहा। सो हाइड्रेंट्स को मुकम्मल तौर पर पानी फराहम किया जा रहा है लेकिन वो लोग फराहम किया जा रहा है शर्जील, ताकि आवाम जो है वो पैसे भर भर के टैंकर जो है वो अपने घरों में दलवाए और यही तमाम सूरत हाल हम देखते हुए भी आ रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली छोटे इलाकों में हम देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पोश इलाकों की भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर पानी नहीं आता और लोग जो है वो टैंकर के रहमो करम। हमारे तो साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मैं पानी खरीद कर पीता हूँ, और वो वजीर खारजा होने के साथ
साथ ये बात भूल गए कि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में तकरीबन 15 साल बरसर इख्तदार रही, पानी के लिए उन्होंने या हाइड्रेंट माफिया को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इकदाम नहीं उठाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात शर्जील ये है कि आप इलीगल और लीगल हाइड्रेंट्स की बात कर रहे थे कि 6 लीगल हाइड्रेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप अप्रोच करेंगे उन्हें पानी की दस्तियाबी के लिए कि आप हमें टैंकर फराहम कर दें, उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है, KWSB OTS के नाम से है उनकी ऐप, अगर आप उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और वाटर टैंकर के लिए उनसे दरख्वास्त करेंगे तो वो ऐप काम ही नहीं करती। कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इलीगल वाटर टैंकर से आपको मिल जाएगा पानी, लेकिन आप वाटर बोर्ड के जो अपने लीगल वाटर टैंकर है उसके लिए दरख्वास्त देंगे तो पानी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और वही बंदा जो आपको पानी प्रोवाइड कर रहा है लीगल हाइड्रेंट्स के थ्रू या इलीगल हाइड्रेंट्स के थ्रू, वो आपको बोलेगा कि आप ऐप को छोड़ें, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे नंबर दें, मैं आपको वाटर टैंकर पहुंचा। और प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं उनके। और साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ अहम है इसमें कि आपने सिंध की जो बात की उसमें वज़ीर बल्दियात सिंध जो वो नासिर हुसैन शाह थे, इन्हीं के दौर में थे और बार बार जो है वो उनके ज़ेर निगरानी ये सारे काम हुए, उनके ही दौर में काफ़ी जो है वो ऑपरेशन भी किए गए हैं उन अफराद के खिलाफ जो अभी हमें बताया जा रहा है कि MD वाटर बोर्ड से मुतअद्दिद बार राबता करने की कोशिश की गई है और उससे पहले उन्हें लाइनअप किया गया था इस प्रोग्राम के लिए कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आएंगे। सलाहुद्दीन अहमद उनका नाम है MP वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का, और उन्होंने वादा खिलाफी की है, आज वादा करने के बावजूद हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, और जाहिर है अपेरेंटली यही है कि वो सवालात का जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे क्योंकि वाटर बोर्ड के अंदर जिस तरह की एलिजिटली करप्शन की दास्तानें हैं वो सबके सामने, और मुसलसल हमारी टीम जो है वो राबता करने की कोशिश कर रही है और उन्हें लाइन पर लेने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि आवाम के बहुत सारे सवालात हैं और आवाम के सवालात देने के लिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि आवाम के दिलों में खदशात भी है कि भाई क्यों हम अच्छा। हम पैसे भी भरते हैं, हम बिल भी भरते हैं, उसके बावजूद पानी जो है वो नलकों में नहीं आ रहा और टैंकर के थ्रू आ रहा है। एक अहम मामला है जिसको देखना बहुत लाजमी है। आप लियारी की तरफ चले जाएं, यहाँ से रिवर के थ्रू पानी आ रहा है, आप इस तरफ चले जाएं या दूसरी किंजर झील की तरफ पानी के अगर रुख करते हैं कि किस तरीके से वहाँ से पानी आ रहा होता है, आप देखिए कि कितने बड़े हद तक जो है ना वो सक्शन पंप लगाए हुए हैं वहाँ पर, इलीगल सक्शन। एग्जैक्टली। सो अब होता ये है कि मुर्तज़ा वहाब का एक रिसेंटली बयान है जो कि अब उनके ज़ेर निगरानी है ये वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है, अब वो बताते हैं कि बाकायदा तौर पर 100 MGD जो कि मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से पानी यहाँ पर आता है, वहाँ से जब पानी रिलीज किया जाता है तो वो 100 मिलियन के होता है, लेकिन जब कराची तक पहुँचता है वो सिर्फ 10 MGD रह जाता है। सो उसकी वजह क्या है कि यानी 100 मिलियन पानी को पंप किया जाता है और कराची जब पहुँचता है मुख्तलिफ आबादियों के अंदर वो सिर्फ 10 मिलियन रह जाता है। अब वो 90 मिलियन पानी कहाँ जाता है? लेकिन देखिए इसी चीज़ को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब यहाँ तक पानी आता है जो वाटर टीम जो इनकी टीम है बाकायदा तौर पे इसको एस्टिमेट करती है वो ये तो बताती है कि हमने पानी वहाँ से 100 MGD डिलीवर किया है, लेकिन यहाँ पर 10 यहाँ पर आ रहा है ये नहीं बताया। यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मराहिल भी ठीक नहीं है। सेक्शन पंप्स लगे हुए हैं वहां से बाकायदा तौर पर हाइड्रेंट्स के थ्रू पानी भर भर के फराहम किया जा रहा है, उन्हीं शहरियों को बेचा जा रहा है उन्हीं का पानी जो कि फ्री उनको फराहम करना था, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। पैसों में महंगाई की अगर बात कर ली जाए तो वो तो पहले ही इतनी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और आवाम का ही पानी आवाम को घरों में मुहैया नहीं हो रहा बल्कि हाइड्रेंट्स के जरिए मजीद पैसे देकर बेचा जा रहा है, वो मजबूर है खरीदने। बिल्कुल अरीबा आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी है कई इलाकों के अंदर, हमारे रिपोर्टर्स हमें वक्तन फवक्तन आगाह करते रहते हैं कि बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी 4-4, 5-5 दिन मुसलसल आता रहता है और इतना पानी आता है कि सड़कें सीवेज का निज़ाम बिल्कुल ही तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कराची के अंदर ही ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी आता नहीं है और उनको महंगे टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं, और अब ये खबर सामने आ रही है कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड जो कॉरपोरेशन का दर्जा इख्तियार कर चुकी है उन्होंने इन टैंकर्स के लिए कोटा भी बढ़ा दिया है, यानी जो कोटा पहले कम था अब उस कोटे में इजाफा कर दिया गया है, और जाहिर है वो कोटा कहाँ से पूरा होगा, आवाम को जो पानी दस्तियाब है उसी में से वो कोटा काटा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी बहुत सारे इलाके ऐसे जैसे कि शर्जील ने बात की, लियारी है, बच्चर कॉलोनी है और दीगर ऐसे बहुत सारे एरियाज है कि जहाँ पर आवाम जो है वो बूंद बूंद को तरस रही है और उनके घरों में पानी नहीं है, लोग बच्चे और तमाम तर लोग जो है बड़े परेशान रहते हैं। कुछ इलाकों में तो खवातीन सुबह सवेरे बाकायदा जो पुराने जमाने में होता था लगाती हैं, लियारी में अभी भी आप कहीं चले जाएं और ओल्ड सिटी एरिया में अगर आप चले जाएं तो हैंड पंप्स लगे हुए हैं और उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी मुतालिक लोगों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है उन्होंने भी अपने गुस्से का भी इजहार किया, गम का भी इजहार किया क्योंकि इतना बड़ा शहर कराची जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है और उनके मकीनों को अगर पानी ना मिले तो लोग तो जाहिर है वो अपना एक रिएक्शन देंगे, तो लोगों के क्या तासुरात हैं वो देखें। हमारे लिए
पानी जो है वो टैंकर के जरिए फराम होगा, जो हाइड्रेंट का गुट है उसको बढ़ा दिया। पानी नहीं आ रहा बेटा, क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है टैंकर वालों से। पानी के बगैर यहाँ परेशानी बेचारे, कोई सुबह भागता है, कोई रात को भागता है, गैलन उठा के कहाँ से लाए बताओ पानी। टैंकर वालों को पानी देते, हमारा मसला क्या जो हमको पानी देते नहीं। आवाम का पानी क्यों बंद करा, ये जंगल बन गया हमारे लिए। लोगों ने कहा कि हाइड्रेंट का कोटा जो है वो बढ़ा दिया गया है और आवाम तक पानी पहुंच नहीं रहा। और जैसे कि शर्जील आपने भी कहा कि सिर्फ 6 जो हैं वो कानूनी जो हैं हमारे पास हाइड्रेंट्स हैं, और गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स हैं उन पर अभी भी कार्रवाई जारी है, लेकिन 6 हाइड्रेंट्स का कोटा कहाँ जा रहा है बाकी पानी? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ अहम है, 6 तो लीगल हैं, 170 इलीगल हैं, वो चला रहा कौन है? So, यहाँ पर बहुत सारे सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं जो बकायदा तौर पे इन हाइड्रेंट्स की सरपरस्ती करते हैं, बैकएंड पे रहकर उनको बकायदा तौर पे सपोर्ट की जाती है। और जिस तरीके से जितनी भी आप रेड्स को चेक करें, जब वहाँ पर छापे मारे जाते हैं तो बताया चलता है कि वहाँ पर जो हाइड्रेंट का इलीगल हाइड्रेंट का मालिक है वो नहीं पकड़ में आया, जो निचला अमला है वो पकड़ लिया गया। जहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं विद इन अ वीक वो वापस से हाइड्रेंट्स ओपन हो जाती हैं, और बहुत सारे सहाफियों को थ्रेट्स भी दी गई हैं। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली यहाँ पर इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर जो सहाफी असल में तो शर्जील आपने राइटली पॉइंट आउट किया है इस मसले को, लेकिन मसला ये है कि निचली सतह का जो अमला है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाना ये अफसोसनाक बात है, हालांकि जिम्मेदारान जो हैं वो ऊपर बैठे हैं, यानी काली भेड़ें हमारी हैं ना। बिल्कुल, और सिर्फ इसमें वाटर बोर्ड के लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दीगर इलाके जो हैं या दीगर जो हमारे इदारे हैं, अगर उसको हम रीफ्रेस कर सकें, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी चीज़ें वो फिर सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर भी आ जाती हैं, और अगर हम उन्हें डिस्कस करें तो जाहिर है फिर उसके ऊपर सेंसर भी कर दिया जाता है। और बिल्कुल नाम लेने के लिए उसके ऊपर हम फिर एक और नशिस्त रख लेंगे ताकि चीज़ें पहले से डिसाइड हों कि हमने किस हद तक जाना है। सामने नाम एमडी वोटर बोर्ड कराची की जहाँ तक बात करें सलाउद्दीन साहब, उनसे बार बार रब्ता किया गया लेकिन वो नहीं हमारे प्रोग्राम में मधु हुए, और उनसे बात करने की हमने कोशिश भी करनी थी और बहुत सारे सवालात आवाम के ऐसे थे जो कि हमने उनसे लेने थे उसके जवाब, लेकिन वो यहाँ पर मधु नहीं हुए। और क्यों मधु नहीं हुए ये तो जाहिर है वही बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि आज वो क्यों हमारे पास प्रोग्राम में लाइनअप होने के बावजूद भी नहीं आ सके। वो इसीलिए नहीं आया कि जाहिर है आपने जो जैसे पहले कहा, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे। अब जो शर्जील बात कर रहे थे कि टैंकर माफिया और इलीगल और लीगल हाइड्रेंट्स की, उस पर अगर हम देखें, आप जानते हैं शर्जील के जो टैंकर 1000 गैलन का टैंकर था वो 2000 रुपये 1500 रुपये में दस्तियाब होता था। अब ये जो एक्शन लिया गया है उससे आवाम का जो पेन है उसमें मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि वाटर टैंकर आपको दस्तियाब नहीं है और कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड जो कॉरपोरेशन है वो आपको वाटर टैंकर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो 2000 का जो टैंकर था अब वो 5 और 6 हजार में दस्तियाब है, यानी आप उसको देखेंगे 300 गुना तक दिक्कत में इजाफा हो गया। एड्रेस तो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने यूज करना है ना, तो जो पानी आपने उनको फराम करते हैं वो बकायदा तौर पे आप शहरियों को फराम करें ताकि उनकी जो परेशानी, क्योंकि अब ये बहुत लक्रेटिव बिजनेस बन चुका है, इसी वजह से ये हाइड्रेंट्स का बिजनेस अब देख रहे हैं कि किस तरह वक्तन फवक्तन फलता फूलता जा रहा है, और कराची वाले जो हैं उनको पानी दस्तियाब नहीं है। इसी मसले को आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, अपने प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देखना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विजिट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।